बहुत कंग्रेचुलेशन, फैंस का दिल जीत लिया आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे उसको? बस एक का दिल जीतने गया था और फैंस का जीतने बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बस मेरे को एक चीज़ का बुरा लगा था कि मैंने सोचा था कि मैं इसको टाइटल दूंगा। आज भी मेरे को दो दिन से मैं बहुत रो रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इसलिए नहीं कि कोई जीता है, मैं बहुत खुश हूँ जशपाल आदित्य जी ने, दे हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यार है तो मुझे ऐसा लगा। इतने करीब होते हो ना एक चीज से, वो 5 सेकेंड, आई मीन ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, बट आई थिंक इट्स अ गेम, एवरीथिंग इज फेयर, एंड कभी हार कभी जीत रही है, हमने सीखा है एंड आगे जीत सकते। सर ने भी जैसे कि क्या 5 सेकंड के लिए सर ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक सर के तरफ से आना, इतने बड़े सीनियर एक्टर के तरफ से आना, आप क्या कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हम लोग, मैं जब गया था मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था, आई थिंक आई वाज टू रॉ फॉर द शो, और बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक ये जो तजुर्बे से चीज़ें आती हैं ना, जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो आप बहुत चीज़ें सीखते हो। ये 5 सेकंड याद रहेंगे, ये इसको हम पॉजिटिव साइड देखते हैं कि ये लर्निंग है, आगे और बेटर कैसे कर सकते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम सनी नाम और तनु सर इज लाइक माई ब्रदर, सो अगर उनकी तरफ से आ रही है कोई चीज़, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड बाकी शो मस्ट गो ऑन। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, केमिस्ट्री खिल खिल कर दिखाई दे रही थी, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? आई थिंक आई एम थैंकफुल स्पेशली, लाइक मैं सोच के नहीं गई थी कि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा किसी से, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड पता नहीं इसके साथ रहती ना तो मैं आई एम मी एंड आई लव इट, आई डोंट नो, इट एक होता ना आपको अंदर से पता चलता है ही इज़ द वन, आई थिंक ही इज़ द वन, एंड ऐसी क्या खूबियाँ पसंद आई आप में? आई थिंक ये जो है ना वो मुँह पे बोलता है, हमारा कम्युनिकेशन इज़ वेरी अंडरस्टैंड, लाइक ही अंडरस्टैंड मी, ही इज़ वेरी काम, लाइक हम दोनों की इक्वेशन में आई एम द वन, मे बी आई गेट इंटरेस्टेड समटाइम, बट ही इज़ द वन हु अंडरस्टैंड मी, हु काम्स मी डाउन, एंड हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, तो देखिए मैं कभी समझती हूँ ये कभी समझता है, तो वो एक बैलेंस आउट होता है हमारे, सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लोग कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया में फैंस कह रहे हैं दिग्विजय के साथ थोड़ा, आप कैसे देखते हैं? मैंने यही बोला कि सही गलत सबके अलग अलग होते हैं, बट ऑफकोर्स एक लड़के का सपना टूट गया एंड उससे किसी मतलब एक इंसान से आप कुछ भी ले लो, आप मेरे को ऐसा लगता है आप एक इंसान से ना पैसा ले लो, डॉलर ले लो, चीज़ें ले लो, सपना मत लो। जब आप एक इंसान से सपना लेते हो तो कहीं ना कहीं वो ना वो सपना आपको तोड़ देता है, एंड जो हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन स्टिल मैं यही बोलूँगा कि सही गलत की डेफिनेशन सबकी गलत जो भी है अलग अलग है, बट बुरा तो नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सेम सिचुएशन में आई फील कि कशिश अपनी जगह सही है, दिग्विजय अपनी जगह सही है, बुरा ऑफकोर्स दिग्विजय के लिए ज़्यादा लगा है, बट कशिश की होगी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इक्वेशन, जो भी मजबूरी उसकी होगी, यस वो इतने करीब था, हम वो चीज़ समझ पा रहे हैं बिकॉज वी लॉस्ट बाय 5 सेकंड्स, मतलब उसको तो खेलने का मौका भी नहीं मिला, अगर एटलीस्ट खेलने का मौका मिलता फिर वो हार जाता तो वो समझ में आता है, बट आई थिंक ठीक है, बट इट्स अ गेम, यू शुड हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्समैनशिप, तो ठीक है। ओके, ऑलरेडी आप एक फिल्म कर रही हैं, आपने बता दिया अनन्या पांडे के साथ, yeah. कौन सी फिल्म है? धर्मा प्रोडक्शन के साथ है, क्या है कुछ अगर आप बताएं? जल्दी पता चलेगा, इट्स कॉल्ड कंट्रोल CTRL, एंड आई डोंट हैव अ मेजर पार्ट इन इट, बट यस इट्स माय डेब्यू काइंड ऑफ थिंग, एंड आई एम लाइक एक्साइटेड अबाउट इट। देखना पड़ेगा। हाउ वाज एक्सपीरियंस शूट करना फिल्म ऑफ डेब्यू कर रहे हैं आप? आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, सीखने बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने पहले भी एक मूवी में काम किया है, थैंक गॉड विद अजय सर, उसने मेरा इतना कुछ मेजर नहीं था, बट आई हैड लाइक दैट एक्सपीरियंस, यू नो सेट पे जाना, उनसे सीखना, अजय सर गाइड करना, जो डायरेक्टर थे उनके साथ बैठ के बात करना, तो आई थिंक इट्स समथिंग विच यू शुड लर्न एवरी डे फ्रॉम वॉट एवर यू डूइंग, सो इट वॉज अ लर्निंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड आई एम होपिंग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स। सर आपकी क्या प्लानिंग है, बिग बॉस करना या टेलीविजन शो या फिल्म करना? वेब सीरीज एक्चुअली रियलिटी से पहले मैं टीवी आता हूँ, सो मैंने टीवी काफ़ी किया, सो अभी आई थिंक रियलिटी शो के ऑफर आ रहे हैं, टीवी के भी आ रहे हैं, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट क्या होता है आगे देखें। आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? बस अपने फैंस से यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू, आपने बहुत साथ दिया, फिनाले में हम हार के भी जीत गए क्योंकि आपका प्यार था, I love you guys. Thank you so much. Keep follow your dreams and don't stop. Just follow your dreams. Achieve it. Haar jeet hoti rehti hai, nahi hota. Stop trolling.
stop demeaning everyone. Just use social media platform as a good platform, not on a, don't do negative social media activities. Be positive. If you like someone, appraise them. If you don't like someone, just leave them alone. I would like to see them. Thank you. Thank you. Lovely talking to you.